Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we are starting a new series of lectures. और वो सीरीज़ होगी करेक्ट स्पेलिंग के लिहाज से. जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेलिंग एक्यूरेसी इंग्लिश में अहम किरदार, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सबसे अहम किरदार अदा करती है तो वो गलत नहीं होगा. बिलखसूस राइटिंग के वक्त, जब बच्चे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों या जब लिख रहे हों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्पेलिंग एक्यूरेसी है. इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि वर्ड जो एक्यूरेट हैं उनको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं और वो कौन से हैं. बिलखसूस ये एक्टिविटी आपके सामने वो टिपिकल वर्ड लेकर आएगी जो बिलखसूस ग्रेड 10 में जो है वो आपके बहुत काम आएंगे. जब वैन द स्टूडेंट विल बी अटेम्प्टिंग ग्रेड 10 का ये क्वेश्चन जो करेक्ट स्पेलिंग का होगा, तो वो उस इस एक्टिविटी से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. आइए आज के पहले लेक्चर को देखते हैं. जी, सो आवर फर्स्ट यू नो वर्ड इज प्रेशर. अब हमने देखना यह है कि प्रेशर के स्पेलिंग ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है. मैं आपको दुरुस्त स्पेलिंग की निशानदेही करूंगा और अगर कोई रीजन उसके से मुतल्लिक जुड़ती होगी तो वो भी बताऊंगा. सो लुक एट दैट, वेन एवर यू सी द राइट स्पेलिंग, तो प्रेशर के ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ये पी आर ई डबल एस यू आर ई. लेट्स मूव अहेड. सेंटेंस नंबर सेकंड, जब हम ऑइंटमेंट के स्पेलिंग देखते हैं तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हमें ऑप्शन बी दैट इज ऑइंटमेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन. आप इसको फोकस कर लीजिए, गौर से देख लीजिए, ये हमारा राइट ऑप्शन है. लेट्स मूव अहेड. सेंटेंस नंबर 3, so that is you know the given words are wondrous. हमारा जो right option है वो wondrous है और वो हमें मिल रहा है option number C में. इसके अलावा जो तीन मजीद spelling लिखे गए हैं वो गलत हैं. so the wondrous WONDROUS ये हमारा right option है. wondrous हैरान कुन. so लेट्स मूव अहेड. फोर्थ वर्ड दैट इज जो हमें राइट स्पेलिंग रेलेवेंट के हमें चाहिए. रेलेवेंट के चार गिवन ऑप्शन हैं, जो रेलेवेंट के राइट स्पेलिंग है, जो दो स्पेलिंग है, वो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है. रेलेवेंट आर ई एल ई वी ए एन टी. और इसी तरह एक्सीलेंस के जो हमें स्पेलिंग चाहिए, एक्सीलेंस यू नो एक्सीलेंस, तो वो हमें स्पेलिंग जो वो मिल रहे हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट एक्स द राइट स्पेलिंग्स आर ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलेंस. और आखिरी वर्ड आज का, जो आखिरी गिवन वर्ड्स हैं, वो हमें है प्रायोरिटी. प्रायोरिटी, अगर हम तरजीह, जिसका मतलब होता है तरजीह, तो अगर वो देखें तो हमें वो वर्ड जो है, चार वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, हमें उलझाओ का हम शिकार हैं कि वो कौन सा दुरुस्त वर्ड है. बट इफ़ हम एक ऑप्शन नंबर बी देखें तो वो हमें राइट स्पेलिंग मिल रहे हैं, दैट इज़ प्रायोरिटी. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, प्रायोरिटी. तो आज आपने देखा कि हमने इन स्पेलिंग्स को जो है वो देखा. अगर आप इन करेक्ट स्पेलिंग को जूम कर लें, अच्छी तरह तैयार कर लें, याद कर लें, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत मावन और बहुत जो है वो मददगार साबित हो सकता है. तो आज का ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 था. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल विद कैमरामैन अब्दुल रहमान सिद्दीकी. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड. अल्लाह हाफिज़.